मेरा माल देखिए साइड हो गया, दो ठो बेल्ट बना हुआ था वो भी टूट गया है, लकड़ी से बाहर निकल गया माल। ये लोहा का कोयल है, इसलिए ये बालू का बोरा लेके आया हूँ, इसका पीछे आगे पीछे डालूँगा, क्योंकि कोयल को बांध कर जैसे करके रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। नहीं नहीं आटियो नहीं है, नहीं है। हाय एवरीवन, फिर से आपको नया ब्लॉग में स्वागत है। आज का ब्लॉग स्टार्टिंग हो रहा है कुनकुरी से, छत्तीसगढ़ का। आज ब्लॉग बनाने के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लग रहा था भाई, दो तीन बार बेल्ट तोड़ के माल अंदर चला गया, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। सुबह से बालू का बोरा लेके आया हूँ, गाड़ी में डाला हूँ, क्योंकि माल आगे जाएगा बोल के दो बेल्ट भी लगा चुका हूँ, आज बहुत परेशान हो गया हूँ। अभी जाके अभी देखिए 10:15 हुआ है, अभी जाके ब्लॉग स्टार्टिंग कर रहा हूँ, अभी ब्रश करके नाश्ता किया हूँ, बहुत परेशान हो गया। दो तीन बार बीच रोड में गाड़ी को खड़ा करके बेल्ट को टाइट करना पड़ रहा था। मेरा माल देखिए साइड हो गया, दो ठो बेल्ट बना हुआ था वो भी टूट गया है, लकड़ी से बाहर निकल गया माल। ये लोहा का कोयल है, इसलिए ये बालू का बोरा लेके आया हूँ, इसका पीछे आगे पीछे डालूँगा, क्योंकि कोयल को बांध कर जैसे करके रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। बेल्ट खुल गया, माल बेल्ट तोड़ के माल साइड हो गया, देखिए लकड़ी पकड़ी से सब निकल गया। हाँ जी, देखिए बेल्ट फेल तोड़ के ये लोहा का कोयल आगे चला गया, जो माल लोड किया था। देखिए ये लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में दबा हुआ है। बालू का बोरा दो ठो लेके आया हूँ, दे रहा हूँ उसका पीछे, कहीं पीछे ना आ जाए बोल के ये दो ठो बेल्ट बांध के रखा हूँ। हाँ जी, देखिए ये कुनकुरी बाईपास, ये बुमला जसपुर रांची जाने वाला रोड, ये आगे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, रायपुर 413 किलोमीटर, संबलपुर 173, झारसुगुड़ा 120 किलोमीटर लिखा हुआ है। देखिए ये बाईपास का साइड में नाश्ता दुकान था बोल के यहाँ ड्रॉप करके नाश्ता कर चुका हूँ। देखिए जी, इधर एक बेल्ट मार दिया हूँ, पीछे वाला कोयल को बांधने के लिए दो बेल्ट बिल्कुल टाइट करके बांध दिया हूँ, फिर भी वन साइड हो गया। ये देखिए नीचे लकड़ी वगैरह बिल्कुल पड़ा हुआ है। हाँ जी, देखिए पत्थलगांव रोड खराब है बोल के सब बोगीता हो गए, गाड़ी आ रहे हैं,
बिल पता लोड किया है, लाइट दे रहा है। नहीं नहीं आटियो नहीं है, नहीं है नहीं, नहीं कोई नहीं कोई नहीं। गुप्ता जी पूछ रहे थे आटियो हो क्या बोल के, क्योंकि उनका हाइट माल है ना, पीछे से गाड़ी आ रहे हैं। देखिए साइड में कम से कम 4-5 फुट लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ बाहर निकला हुआ है। एक छत्तीसगढ़ रोड का हाल देखिए, वन साइड बिल्कुल खुदे कर चुका है, एक साइड गाड़ी चल रहा है। देखिए हमारा ड्राइवर भाई सब बात कर रहे हैं, बगीचा के पास एक तो बस ब्रेक डाउन हो गया बीच रोड में। हाँ जी, कुनकुरी से निकला था 10 बजे, अभी जाके 12:40 हुआ है, अभी जाके पहुंचा हूँ बगीचा में। साइड में गाड़ी को खड़ा करके थोड़ा टायर फायर चेक करूँगा। इधर एक तो आलू बोझे ट्रक है, यूपी का गाड़ी आलू लेके जा रहा है भाई कहीं। पेड़ का छाए में गाड़ी को खड़ा करके खाना बना रहे हैं। बगीचा का एफसीआई, ये एफसीआई में सब चावल लेके आए हैं गाड़ी सब। देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर है, कांटा है सामने। बगीचा यहाँ से 5 किलोमीटर बाकी है। बगीचा से मैं जा रहा हूँ बेतौली रोड, बेतौली से अंबिकापुर निकलूँगा, क्योंकि पत्थरगांव वाला रोड बहुत खराब था बोल के। इधर कुनकुरी से राइट मार के इधर बगीचा वाला रोड पर आ रहा हूँ। हाँ जी, गाड़ी का काम हो रहा है, देखिए बिल पत्ता का गाड़ी पंचर हो गया है। हाँ जी, अभी टाइम हो गया 2:10, अभी जाके पहुँचा हूँ बेतौली में। देखिए एक तो गाड़ी में लोड कर रहा है भूसा, ये लेबर देखिए डंडा में पीट रहा है, भूसा को दबा रहा है। देखिए नीचे 4-5 लेबर खींच रहा है, ऊपर से एक आदमी पीट रहा है, देखिए भूसा दबेगा बल्कि। दस बजे से निकला था कुनकुरी से, अभी 2:10 हो गया बेतौली पहुंचते पहुंचते। अभी देखिए लेबर चढ़ रहा है ऊपर गाड़ी का, ऊपर खींच रहा है, रस्सा टाइट कर रहा है भाई। कितना धूप हो रहा है फिर भी ये धूप में काम कर रहा है। देखिए जी, शाम हो गया, अभी निकल रहा हूँ बेतौली से, क्योंकि घाट का ऊपर कभी कभी आटियो वाला आ जाता है ना, इसीलिए रुका था। अभी सब गाड़ी भी निकलने वाला है, देखिए अंबिकापुर से 40 किलोमीटर आगे होटल में खाना खा रहा हूँ, यहाँ रुकना पड़ेगा। क्योंकि रात को रेवती वाला पुलिस निकलता है ना, 200 रुपया ले लेता है, इसलिए यहाँ से सुबह जाऊँगा।
प्याज बहुत टेस्ट लग रहा है, तेल थोड़ा ज़्यादा दे दिया। गाड़ी एक तो निकल रहा है, देखिए आज देखिए इस साइड में मेरा गाड़ी है। अभी सुबह 6 बजे जाऊंगा यहाँ से। आज का ब्लॉग कहीं पर एंड करता हूँ। ये वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।